कंपनी फिटेड सीएनजी कारों का सबसे ज्यादा ऑप्शन हमें एक ही ब्रांड के पास देखने को मिलता है इंडिया में, वो है मारुति। अब डिजायर आई थी नई जनरेशन वाली, तो वो भी जो है सीएनजी में आती थी पहले, तो अब भी आएगी। तो आप देख रहे हैं सीएनजी डिजायर, वो भी सबसे टॉप मॉडल, मतलब ZXI, VXI और ZXI दो वेरिएंट में यहाँ पर जो है इसमें सीएनजी आती है। तो सबसे पहले बूट चेक करते हैं अभी। और एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, फीलिंग वॉल कहीं बॉडी ऑडी पे नहीं दिया है, क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम टाइप की जो है अब लग रही है, तो वो चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो सबसे पहले मैं एक शोरूम की अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये नॉर्मल पेट्रोल ZXI पेट्रोल से ZXI पेट्रोल सीएनजी वाले डिजायर को कंपेयर करते हैं, तो लगभग 95,000 रुपये आपको जो है एक शोरूम पे ज़्यादा देने पड़ेंगे। एक शोरूम की बात करो 984,000 रुपये इसकी एक शोरूम रहती है ZXI सीएनजी की, और VXI की रहती है 874,000 रुपये। तो अब ये थी एक शोरूम की बातें, अब जरा सबसे पहले बूट चेक करते हैं। देखो टॉप मॉडल है तो थोड़ा पूरा टॉप वाला फील तो आपको मिलेगा ही। तो देखो चाबी ऐसी मिलती है, और यहीं से सिर्फ ये बन आपको जो है प्रेस करना है इस तरीके से, जो है इसका पूरा पीछे का जो है यहाँ पे बूट ओपन हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ देखिए आपका इतना कुछ जो है बूट स्पेस है। वैसे तो 382 लीटर के आसपास आता है बूट। अब यहाँ पे सीएनजी टैंक मिल रहा है, तो सीएनजी टैंक है यहाँ पर। अगर आप देखें यहाँ पर तो कहीं मेंशन, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे ख्याल से 55 लीटर का है। एक बार और कंफर्म करने के लिए यहाँ से हम सीएनजी जो है प्लेट देख लेते हैं, जो कि हम फ्यूलिट के पास यहाँ पर जो है यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये रहती है जो है इसकी सीएनजी प्लेट, तो यहाँ पर देखिए 55 लीटर का, मतलब आप इसे केजी में 11 केजी का मान सकते हैं, और 11 केजी में लगभग इसमें जो गैस है अच्छा खासा प्रेशर रहता है, तो वही मान के 7.5 से 8 केजी के आसपास इसमें जो है गैस आएगी। अब सीएनजी टैंक है 55 लीटर का, तो बूट स्पेस कितना जो है ये कवर अप कर ले रहा है। तो यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत यहाँ जो है बूट बच रहा है हल्का सा, और एक मेरे ख्याल से ज़्यादा चौड़ा वाला अगर आपके जो है सूटकेस ना हो तो यहाँ पर ऐसे खड़े करके जो है आ सकता है हल्का सा ऊपर। बूट लैंप है ही है, बाकी स्पेयर व्हील है कि नहीं है, है तो ये चीज़ सही है कि स्पेयर व्हील 165/80R 14 प्रोफाइल का दे रखा है। स्विफ्ट में तो गायब ही कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट पंचर किट तक कहाँ जो है बंदा अपना पंचर लगाता फिरेगा, आराम से स्टपनी बदली चलता फिरेगा, तो ये चीज़ सही करी है। बाकी सीएनजी में अगर मैं टैंक की बात करूँ, लगभग 8 केजी भी जो है इसमें गैस आती है, तो कंपनी जो माइलेज है वो कितने का कह रही है, लगभग जो है 33 का कह रही है, 33 किलोमीटर का। तो अगर आप 8 × 33 करते हैं, लगभग जो है आप 264 वही 250+ आप जो है एक सीएनजी टैंक फुल करके जो है चल सकते हैं। बाकी लगभग 37 लीटर के आसपास पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है, तो उसमें भी 24 का माइलेज कहा जा रहा है, 20 का भी मिलता है, तो सीएनजी ख़त्म हो जाएगी पेट्रोल में स्विच करके। सीएनजी स्टेशन आप ढूंढ सकते हैं कहीं, उसमें पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी भी फिल करा लेंगे। बाकी आप सीएनजी का यहाँ पे देखिए फिलिंग पॉइंट आपका जो है प्रॉपर यहाँ दे रखा है, आराम से जो है यहाँ से आप जो है फिल कराइए, पेट्रोल यहाँ से फिल कराइए, और पूरा ये अंदर सेपरेट रहेगा क्योंकि यहाँ जगह अच्छी है, स्क्वायर शेप में जो है यहाँ पे फिलिंग का पूरा जो है यहाँ पर है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये अंदर आ गया फिलिंग का पॉइंट। स्विफ्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो राउंड शेप में था, थोड़ा जगह भी कम थी, तो वहाँ भी अगर चेंज किया जाता आ सकता था। और एक और चीज़ देखो, ये पूरा फ्यूलिट अगर खुला होगा ना, गाड़ी जो है बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगी। एक बार स्टार्ट करना, हो रही है, ये देखो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं हो रही, बंद करता हूँ, करो, तो देखो ये स्टार्ट हो चुकी है। अब फ्यूलेट खोलना, बंद हो जाएगी अभी, देखो बंद हो चुकी है। तो ये सेफ्टी फीचर भी है इसमें, जब ये खुला रहेगा, मतलब सीएनजी अगर पेट्रोल सीएनजी जो भी आप भरवा रहे हैं, तो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो ये मेन चीज़ रहती है इसका बूट। तो बूट देखो यार, अगर ट्विन सिलेंडर वाला हिसाब कर दे अगर जो है यहाँ पे मारते, तो बूट और भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अगर कर दी जाए तो सही रहेगी। बाकी ऊपर ऐसा कुछ जो है पूरा अगर कवरिंग होती तो सही लगता। बाकी अब बात करते हैं ज़रा और क्या क्या रहता है। तो देखो टॉप वेरियंट है, तो आपके जो है कह सकते हैं ZXI, क्योंकि सेकंड टॉप वैसे रहता है ये पेट्रोल में, सीएनजी में सबसे टॉप रहेगा। तो फीचर अच्छे खासे यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रंट से देखते हैं, तो फ्रंट में आपको सबसे पहले लाइटिंग सेटअप पूरा एलईडी में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे टॉप वेरिएंट में जो यहाँ पे लाइटें आती ना, वैसी कुछ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे DRS जलती हैं, और ये इंडिकेटर आपके जो है नीचे हो गए, फॉग लैंप्स इसमें नहीं आती है। बाकी फ्रंट की ग्रिल कुछ नॉर्मल सी आपको ऐसी 3 स्लाइड है, आपको 6 स्लाइड में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। बीच में सुजुकी का लोगो, ये ग्लॉस पार्ट दे रखा है। बाकी जैसी ऐसी साइड सेक्शन की ओर आएंगे, तो साइड सेक्शन से आपको
ऐसे ग्लॉस ब्लैक जो है यहाँ पे टोन में आपको अलॉय व्हील्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। प्रोफाइल जो इसमें रहेगी 185/65R15 की C8 सिक्योर ड्राइव जो है यहाँ पे टायर है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक रहती हैं, और वार भी उस पर इंडिकेटर मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, और रिक्वेस्ट सेंसर मिलते ही मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर वाली जो है दोनों तरफ जो है यहाँ पे हैंडल्स में। और जैसे आप इंटीरियर देखते हैं तो इंटीरियर वही बीच एंड ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। ट्रिम्स में आपको ऐसा कुछ पूरा हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिलेगा, बाकी ये लाइट कलर है तो सही लगता है जो है इंटीरियर। डैशबोर्ड में ये वुडन टेक्सचर भी आपको काफ़ी जो है अच्छा फील यहाँ पे देगा। बाकी अभी चलेंगे ज़रा इंटीरियर सेक्शन की ओर, तो मेन चीज़ मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले दिखाई जो टैंक है और फिलिंग पॉइंट है वो कहाँ पे दे रखा है, कितने लीटर का टैंक है। ऊपर शार्क फिन एंटीना डिफॉगर रहता ही रहता है, और आपको जो है यहाँ पे पीछे इस तरीके से स्पॉइलर लिप काफ़ी जो है रियर से स्पोर्टी जो है यहाँ पे बना देती है। रियर में LED टेल लैंप्स प्रॉपर आपको मिलेंगी, रिवर्स पार्किंग सेंसर यहाँ पे जो है यहाँ पे दे दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अब ज़रा यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से आएंगे तो देखो यहाँ पे पावर विंडो, तो देखो बेस वेरियंट्स हैं, कोई बताने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे एडजस्टेबल पीछे हेडरेस्ट है, बीच में आपको जो है आर्मरेस्ट भी दे दिया गया है। सीटों का कंफर्ट अगर मैं यहीं से बता दूँ फटाफट से, तो अंदर साइड ठीक है, लगभग दो लोग कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी के लिए बैठ पाएंगे, शॉर्ट जर्नी के लिए क्योंकि बीच में थोड़ा सा हम्प आपको देखने को यहाँ पे मिलता है तो बीच वाला कंफर्टेबली बैठ नहीं पाएगा। रियर AC वेंट दे दिया गया है और चार्जिंग पोर्ट भी है यहाँ पे। अगर आप देखें ना पीछे वालों के लिए आपका जो है USB और Type-C दो पोर्ट आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे आराम से चार्ज वगैरह जो भी आप जो यहाँ पे करना चाहें कर लेंगे। इसके बाद ज़रा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ रहती हैं चारों पावर विंडो, ऑटो अप एंड डाउन ड्राइवर वाली एंटी पिंच के साथ में, और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी हो जाएंगे ORBMs। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको जो है कुछ ऐसी चाबी मिलेगी, चाबी तो यहाँ पे रख दीजिए क्योंकि इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है प्रॉपर इसमें, तो इस तरीके से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलेगा। और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट वाली है, फैब्रिक में यहाँ पे सीटें रहेंगी प्रॉपर, और 6 एयरबैग, ABS, EVD, ESP ये सारे आपको जो है इसमें सेफ्टी के फीचर्स स्पेस वेरिएंट से देखने को मिलते हैं। और ये रहता है यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में आने का स्विच है, और इसके बाद स्टेयरिंग आपको कुछ ऐसा नॉर्मल है। इस पर जो है आपको कहीं भी क्रूज कंट्रोल वगैरह कहीं नहीं देखने को मिलते, सिर्फ स्टेयरिंग में यहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल यहाँ मिलेंगे। और यहाँ से कुछ ऐसा मीटर कंसोल देखने को मिलता है, टॉप हो बेस हो ऐसा ही मीटर कंसोल आपको दे दिया जाता है। टेलीफोनी के यहाँ पे कंट्रोल हैं, RPM यहाँ 8000 तक, यहाँ पे स्पीड 220 तक, बाकी यहाँ पे पेट्रोल लेवल, यहाँ पे CNG लेवल पूरा क्योंकि CNG फुल है, ऊपर टेम्परेचर, ऊपर टाइम, और नीचे एवरेज टिप ट्रिप भी, बाकी जितनी लाइटें आती हैं वो आपकी जो है सराउंडिंग में आपको जो यहाँ पे देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके साथ साथ ये रहती है इसकी 7 इंच की स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेसली स्मार्ट प्ले, प्रो प्लस वाली नहीं है, प्रो जो है ये स्क्रीन है। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या रहती है, यहाँ पे आपको जो है TPMS भी जो है आपका जो है यहाँ पे देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये रहता है इसमें जो है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सेकंड टॉप से जो है आपको डिज़ायर में TPMS मिलना जो है स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आप ये देखते हैं तो आपका जो है ऑटोमेटिक AC है यहाँ पे, साथ ही साथ ग्लॉस टच दे रखा है, और USB पोर्ट यहाँ पे दे दिया जाएगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जर आपको जो है प्रॉपर मिलता है, वायरलेसली आप फ़ोन जो है यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। आपका एक जो है दो यहाँ पर कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, और CNG सिर्फ मैनुअल में ही आती है, ऑटोमेटिक में जो है अभी नहीं आपको देखने को मिलती है मारुति की ओर से किसी भी जो है गाड़ी में, CNG गाड़ी में। बाकी ये हैंड ब्रेक रहेगा, ऊपर देखेंगे डे नाइट IRVM, ऊपर आपकी जो है यहाँ पे लैंप इस तरीके से दे दी जाती है, और ये सनवाइज़र पे जो है यहाँ पे वैनिटी मिरर, और ये यहाँ पे टिकट होल्डर, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी कुछ रहेंगी। तो ये है आपकी डिज़ायर CNG, वो भी ZXi जो है यहाँ पर वेरिएंट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिला। अब मेन इसके इंजन की बात करते हैं, क्या पावर क्या टॉर्क है इस इंजन में CNG और पेट्रोल में। तो इंजन की अगर मैं बात करूँ ना, सबसे पहले देखो अभी स्टार्ट नहीं है इंजन, अभी स्टार्ट करवाता हूँ, स्टार्ट करना यार तो कुछ ऐसा रहता है, Z12E सीरीज वाला 3 सिलेंडर में ही 1.2 लीटर का जो है मारुति का इंजन है। अभी सिर्फ दो ही गाड़ियों में आया है यहाँ पर, एक डिज़ायर में, एक जो है यहाँ पे स्विफ्ट में। अब पावर आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो 89 BHP निकल ली है, 101 Nm के जो है टॉर्क के साथ में, वो भी CNG में। वहीं अगर आप CNG से जो है यहाँ पे स्विच करके पेट्रोल में चलाएंगे तो थोड़ी पावर आपको बड़ी भी देखने को मिल सकती है, लगभग 80 BHP के आसपास, वो भी टॉर्क रहेगा 111.3 Nm के आसपास। तो ऐसा कुछ जो है इसका पावर फिगर रहते हैं CNG और जो है यहाँ पे पेट्रोल के। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा जो है यहाँ पे
सीएनजी में कम पावर आपको जो है विगर्स देखने को मिलेंगे और चलाने में भी थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे लगेगा। और वारंटी की अगर मैं बात करता हूँ तो वारंटी वही 3 साल 1,00,000 किलोमीटर तक की, जो कि मारुति की गाड़ी में अब यहाँ पर बढ़ा दी गई है 2 साल 40,000 किलोमीटर से, तो वो आपको इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप जो है यहाँ पे कोई सीएनजी गाड़ी लेना चाह रहे हैं कॉम्पैक्ट डांस सेगमेंट में, जिसमें कि हल्का सा बूट थोड़ा मिल जाए अच्छा, बाकी माइलेज जो है अगर ज़्यादा ही रनिंग है, देखो मैं कहता हूँ लगभग डेली की 70-80 किलोमीटर की रनिंग है या फिर आप चलते हैं अच्छा खासा, तो तब आप जो है सीएनजी एक जो है गाड़ी ले सकते हैं, जो कि आपका डेली रनिंग का जो है आपका कॉस्ट थोड़ा सा जो है यहाँ पे कम कर सकती है। तो ये थी डिज़ायर सबसे टॉप मॉडल सीएनजी में। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।